हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 के 10वें मैच के एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैच है वो खेले जाने वाला है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर के मध्य। तो क्या कुछ हमारी एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के लिए बेस्ट पिक रहने वाली है, तो इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स दिए जाते हैं बाय के लिए, जैसे कि राजस्थान रॉयल के लिए आज उनके फिनिशर्स को आप बाय कर सकते हो, ऐसा इंडिकेटर दिया गया था। अक्षर पटेल बाय के लिए सजेस्ट थे, मिचेल मार्शल के लिए सजेस्ट थे, डेविड वार्नर भी सेल के लिए सजेस्ट थे। थोड़ा लॉस हुआ बट मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ लॉस हुआ। और जायसवाल बटलर अभी फॉर्म में नहीं है, बट जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर एक मैच में ये दोनों अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो हम इन्वेस्टमेंट अपना थोड़ा सा बढ़ा के करेंगे, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक्सचेंज ट्वेंटी एप्लीकेशन का जो ये लिंक है ना, ऐसा लिंक आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन करके रखा हुआ है, तो वहाँ से आप अगर एक्सचेंज को डाउनलोड करते हो तो आपको जो केवाईसी करने पर 100 रुपये का रियल कैश मिलेगा आपके डिपॉजिट सेक्शन के अंदर। और साथ ही साथ आपको अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट 1000 रुपये करते हो तो एक्स्ट्रा 20% मतलब 200 रुपये रियल कैश एक्स्ट्रा मिलेगा और 50% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, 500 रुपये का बोनस। तो 100 रुपये केवाईसी वाला रियल कैश, 200 रुपये डिपॉजिट वाला रियल कैश, 300 ये हो गया, 1000 आप करोगे वो हो गया, 500 बोनस हो गया। तो ये कुछ आप ऑफर्स है जो कि ग्रैब कर सकते हो। इस एप्लीकेशन पे 28% जीएसटी आपका नहीं लगता है और कई बार आपका टीडीएस भी वापस मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, पूरी रात मेहनत करते हैं, सोए भी नहीं, अभी 4:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। और एनालिसिस पे एनालिसिस करें और प्रॉफिट भी है, देखो उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, आप लोग अच्छी सपोर्ट भी करें। तो सबसे पहले गिवअवेज की डिमांड रहती है, एक वीक कंप्लीट हो गया है, एक वीक के अंदर जैसे कि 7 दिन के अंदर जितने भी हमने वीडियोस बने हैं उनके गिवअवे विनर्स की लिस्ट बना के अनाउंस करके और उनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, क्योंकि एक एक मैच का अगर मैं डेली कंपनी में भेजूंगा तो वो रास नहीं आएगा। तो 7 दिन के अंदर जितने वीडियोस बनेंगे उसके अंदर जितने विनर्स निकलेंगे उनकी लिस्ट मैं भेज दूंगा और 24 से 48 आवर्स के अंदर उस यूज़र मतलब जो भी विनर्स होंगे उनका जो अमाउंट है वो उनके एक्सचेंज के वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा। तो 500 रुपीज़ 500 रुपये प्रत्येक यूज़र को मिलेंगे जो विनर रहेगा। तो आज का क्वेश्चन रहने वाला है बेंगलोर की तरफ से, मैं थोड़ा सा इजी दे रहा हूँ, विराट कोहली फाफ ड्यूप्लेसिस दोनों मिलकर कितने एक्सचेंज के अकॉर्डिंग फैंटसी पॉइंट देंगे, तो आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। पहले 3 प्लेयर्स दे रहा था, अब थोड़ा ईजी कर दिया, 2 प्लेयर्स मिलकर कितने पॉइंट देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वेन्यू जो रहने वाला है वो बेंगलोर का रहने वाला है और बेंगलोर का मैंने पहले ही बोला था होम ग्राउंड है, ये बेंगलोर का गढ़ है। यहाँ पर जो है वो विराट कोहली फाफ ड्यूप्लेसिस का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लास्ट गेम में फाफ ड्यूप्लेसिस ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो इस गेम के अंदर डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले, नो डाउट। कोलकाता के पास शानदार गेंदबाजी है बट प्लेयर्स भी अच्छे हैं और छोटा ग्राउंड है। और यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक इस आईपीएल में हमें एक चीज़ देखने को मिली है, होम जो टीम होती है ना उसको एडवांटेज ज़्यादा मिला है और लगभग लगभग वो टीम जो मैच जीतती है। अब ये चीज़ के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो सनराइज़र अगर हम कोई टीम के साथ चलते हैं कि हाँ ये टीम जीतने वाली है, जैसे कि हैदराबाद को जो लेके चला था कि हैदराबाद जीतने वाली है, तो उसके सभी प्लेयर्स ने प्रॉफिट दिया बाय के अंदर बैटर्स ने, और हमारी तो फेवरेट मुंबई थी तो उसमें भी हमारा लॉस नहीं हुआ, टीम भले ही हार गई। टीम डेविड ने प्रॉफिट दिया, तिलक वर्मा ने प्रॉफिट दिया, ईशान किशन ने प्रॉफिट दिया, नमन धीर ने प्रॉफिट दिया, तो ओवरऑल लगभग हमने प्रॉफिट निकाल लिया। हार्दिक पांड्या ने भी प्रॉफिट दिया, तो वही चीज़ है, टीम भले ही हारी हो बट हमारा जो हार्ड एनालिसिस होता है, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसने हमें प्रॉफिट ही दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विराट कोहली फाफ ड्यूप्लेसिस मैं बाय के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, होल्ड के लिए भी ट्राई कर लेना। और उसके बाद रजत पाटीदार देखो लंबे टाइम से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, सो इन पर भी मैं थोड़ा सा दाव खेलूंगा, थोड़ा सा बढ़ा के इन्वेस्ट करना और आप बाय के लिए इनको ट्राई कर लेना, रजत पाटीदार को। बेंगलोर के अंदर इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है, ग्लेन मैक्सवेल भी लंबे टाइम से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं और ऊपर से इनका 6th बॉलिंग ऑप्शंस भी रहने वाले हैं, लेफ्ट हैंडर्स कोलकाता के पास बहुत ज़्यादा है तो विकेट भी चटका सकते हैं, रन्स भी कर सकते हैं, और अगर 10-15 बॉल खेल गए इस ग्राउंड पे तो इजीली 40-45 का स्कोर कर जाएंगे और एक दो विकेट भी चटकाते तो डबल प्रॉफिट दे जाएंगे। तो विराट कोहली फाफ ड्यूप्लेसिस ग्लेन मैक्सवेल होल्ड के लिए बढ़िया पिक रहने वाली है, कैमरन ग्रीन भी ठीक ठाक चॉइस बन जाएगी बट अभी फिलहाल इनके लिए कुछ नहीं, अगर कोई इंडिकेटर होता तो मैं टेलीग्राम पर आपको जरूर प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके अलावा दिनेश कार्तिक, अनुज रावत,
फिनिशर रहने वाले हैं। अगर इनको बाय करना होगा तो मैं सीधा सीधा टेलीग्राम पे आपको एक इंडिकेटर प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर बेंगलोर पहले बैटिंग करती है तो ऐसा लिख के भेज दूंगा कि आरसीबी के फिनिशर को आप बाय कर सकते हो। लाइक फिनिशर के अंदर दिनेश कार्तिक, अनुज राव दोनों का रोल रहने वाला है। और अगर एक चीज़ और बात करूँ, मैं अभी एक चीज़ की बात करा तो मोहम्मद सिराज अभी थोड़ा सा फीके हैं इस आईपीएल के अंदर। स्टार्टिंग में ऐसा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि अभी बहुत तगड़े ये बॉलर बन चुके हैं। और एक चीज़ और याद दिला दूं मैं, पुरानी राइवलरी है, बहुत साल पहले जब ये ट्रोल हुए थे तो सेम यही ग्राउंड था, सामने एंड्रू रसल थे, ये बिमर मार रहे थे, वो इनके सिक्स लगा रहे थे, तो इनको ट्रोल किया गया था और वहाँ से एकदम से इनके करियर ने उछाल लिया था और ये तरक्की में आ गए थे। और अभी हाल ही में बात करें, इनका नाम ज़्यादा चल रहा है, वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप उठा लो, कहीं से भी उठा लो, श्रीलंका के खिलाफ 5-6 विकेट छटकाना, तो थोड़े से ज़्यादा बोले ना कि हाई रेटेड बॉलर बन चुके हैं। ऊपर से रसल अभी इतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, बट आईपीएल में रसल भी लास्ट गेम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, ऊपर से ये परफॉर्मेंस नहीं करे मोहम्मद सिराज, तो ये राइवलरी अच्छा देखने को मिलेगा। तो देखो, कहने का मतलब मोहम्मद सिराज इस गेम के अंदर अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है तो 2 विकेट छटका सकते हैं, और उसके बाद चेज भी इस ग्राउंड पे होता है तो आरसीबी जीत भी जाएगी। तो उस केस में मैं फेवर कर रहा हूँ आरसीबी को। ऊपर से होम टीम का मैंने बताया कि होम टीम को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। कोलकाता की तरफ से अगर मैं बात करूँ, अब सीधी सी बात करते हैं फिलिप सॉल्ट की। अगर मैं बात करूँ फिलिप सॉल्ट, देखो छोटा ग्राउंड है और विकेट कीपर सेक्शन में भी फिलिप सॉल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरा मन था सेल के लिए सजेस्ट करने का, बट वही बात है कि विकेट कीपर्स पॉइंट दे रहे हैं इस आईपीएल में, टाटा आईपीएल में। ओपनिंग भी करने आएंगे फिलिप सॉल्ट, तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट की उम्मीद रहेगी और बैटिंग से भी कुछ ठीक ठाक पॉइंट दे जाते हैं, तो 40 से 45 पॉइंट की उम्मीद करता हूँ। बट हाँ, अभी थोड़ा सा लेस रखना बाय के लिए। उसके अलावा श्रेयस अय्यर इस गेम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और पूरा एकदम बोलते हैं नेल बाइटिंग मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। और नीतीश राणा इस ग्राउंड पे ठीक ठाक इनका भी रिकॉर्ड है, बाकी हाल ही में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके आ रहे हैं, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी नीचे हैं, तो अगर ऊपर वाले बैट्समैन अच्छा करके चले जाते हैं तो उसके बाद एंड्रू रसल, रिंकू सिंह को थोड़ा सा प्रमोशन मिलने वाला है। बाकी नंबर 4 पे ये बैटिंग में शो करें, वेंकटेश अय्यर सेल के लिए ट्राई कर लेना। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से, हर्षित राणा सेल के लिए सजेस्ट करने वाला हूँ मैं, और रमनदीप सिंह भी सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। हर्षित राणा, रमनदीप सिंह ये सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। वरुण चक्रवर्ती, देखो स्पिन थोड़ा सा गेम में आने वाला है, सुनील नारायण भी आरसीबी के खिलाफ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, सो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान देना। एंड्रू रसल बॉलिंग भी डालने वाले हैं, बैटिंग भी करने वाले हैं, बट मैं फिलहाल थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, 41 सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, थोड़ा सा लेस रखना है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, आप अवॉइड भी कर सकते हो इस पिक को। उसके अलावा जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं की उनको आप अवॉइड करके चल सकते हो, रिंकू सिंह यही 25-30 पॉइंट वाला काम करके देंगे, तो उस हिसाब से इनका भी फाइनल जो इंडिकेटर होगा वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से मार्केट की, मार्केट वाले फीचर की, तो मार्केट वाले फीचर की हम बात करते हैं। देखो एक्सचेंज के अंदर सीधा है, एनालिसिस करो, उसके बाद जो आपका आपने जो चीज़ ट्राई करने को बोलना है वो सीधा आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ऊपर से मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पूरी रात जगा हुआ था और अभी आंखें में जलन होने लग रही है ना, और नींद भी आ रही है, तो जो मेन इंडिकेटर होंगे वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूँ, और वीडियो में जो जो चीज़ें बतानी थी वो मैंने बता दी। सो मैं अभी वीडियो अपलोड करके कुछ देर रेस्ट करूंगा, लाइक 3, 4 या 5 घंटे तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अब एक्सेप्ट किस किस को करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो रजत पाटीदार काल के लिए मिले, ट्राई करो, 28 काल के लिए मिल रहे हैं तो यहाँ से ट्राई करो इनको, जैसे कि ये ट्राई कर लिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अभी ये कॉल कब करना है इनको, अगर पहले बॉलिंग करते 26 पॉइंट में कोई बुरी बात नहीं, अगर एक कैच पकड़ते हैं तो भी ठीक है, बट इनको कॉल कब करना जब आरसीबी की टीम पहले बॉलिंग करे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ग्लेन मैक्सवेल को भी कॉल कर सकते हो आप, मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, और फाफ ड्यू प्लेसिस को भी कॉल कर सकते हो, अभी कॉल में नहीं है। विराट कोहली को भी कॉल करना चाहो तो कर सकते हो। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से फिल सॉल्ट की, थोड़े से ठीक ठाक चॉइस है, पुट करना चाहो तो भी ठीक ठाक चॉइस है, बट थोड़ा सा वही है कि जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बाय के लिए थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, कंफ्यूजिंग वाली पिच है, पिक है, मैं आपको भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, सो अभी हम बाय के लिए ही टिके रहेंगे इनके साथ, बाकी कोई इतने अच्छे यहाँ पर है नहीं। रजत पाटीदार को मैंने बता दिया कॉल करना है, तो ये कुछ पिक्स मैंने आपको सजेस्ट किए, ये आप ट्राई कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।